हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में एक बार फिर से। आज हम लोग यूपीपीएससी और यूपीएससी मींस 2019 के लिए, जो कि हमारा एथिक्स का पेपर चल रहा है, ये पेपर नंबर 4 जीएस का, उसमें हम लोग कर रहे थे इंटीग्रिटी। आज उसको आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 पहले मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, ये पार्ट 2 लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है एथिक्स के पेपर के लिए, लेकिन बाकी GS1 आप लोग बहुत ध्यान से नहीं देख रहे हो। जो हमारा पेपर उसमें चल रहा था अर्बनाइजेशन, जो कि कंप्लीट हो चुका है, अब हम उसके आगे का टॉपिक लेकर आएंगे। तो जो भी व्यूअर्स पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर एक बार विज़िट करके देखिए, उस पर बहुत सारे आपके काम की वीडियोज़ हमने अपलोड कर रखी हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 इसका, और पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और इसका PDF जब इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाएगी तो सक्सेस मंच पेज और हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा सिलेबस था, और इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम यहाँ पर इंटीग्रिटी कर रहे थे, ये वाला पॉइंट इंटीग्रिटी, ये हम लोग कर रहे हैं सत्य निष्ठा। इसमें हम लोगों ने अवधारणा देख ली थी लास्ट क्लासेस में, और इसके प्रकार देख लिए थे। आज हम देखेंगे व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या लाभ होता है सत्य निष्ठा के, प्रशासन में इसके क्या लाभ होते हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि सत्यनिष्ठा एक्चुअल में होती क्या है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो। और इस वीडियो देखने से पहले आप हमारी पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे की क्लासेस। ये एक बार आप लोग रिकैप कर सकते हैं, इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था पूरा अच्छे से प्रॉपरली। इसके बाद इसकी डेफिनेशन बताई थी, इंटीग्रिटी के प्रकार किए थे। आज हम देखेंगे व्यक्तिगत जीवन में इसके क्या लाभ होते हैं, एक पर्सनल लाइफ में, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई सर्विस करता हो, उसके एक व्यक्तिगत जीवन में अगर वो इंटीग्रिटी अपनाता है, सत्यनिष्ठा को अपनाता है, तो उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो जो व्यक्तिगत जीवन में लाभ होगा, उसी को आप घुमा फिरा के किसी भी पेशे में लिख सकते हैं, जो भी आपसे पूछा जाएगा। बस आपकी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए कि उसमें लिखा क्या जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं व्यक्तिगत जीवन के लाभ। तो सबसे पहला लाभ होता है, इससे विश्वसनीयता बढ़ती है। विश्वसनीयता बढ़ती है मतलब कि आप सत्यनिष्ठ हैं, आप जो कहते हैं वही करते हैं, आप मूल्यों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो आपके ऊपर लोगों का, जनता का, अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आपके जो भी क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं, उनका आप पे मतलब बाजार का, अगर आप कोई पॉलिटिक्स में हैं आप, तो फिर राजनीति का आपके ऊपर विश्वास बढ़ता है, जनता का आपके ऊपर विश्वास बढ़ता है, जिस सर्विस में भी आप हैं। ऐसे ही आप अपनी फैमिली में भी देख सकते हैं, अगर आप इंटीग्रिटी को अपनाते हैं तो आपके ऊपर आपकी फैमिली का विश्वास बढ़ता है, वो लोग आंख बंद करके आप पे आपकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये एक इसका पहला पॉइंट होगा कि विश्वसनीयता, इससे आपके व्यक्तिगत जीवन में लोगों के ऊपर, आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट जरूर से ज़्यादा बन जाएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों का दिल जीत पाएंगे। इसका सेकेंड पॉइंट है सफलता की अधिक संभावना। ये पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है, ये सेकेंड पॉइंट जो हमारा है। अगर आप विश्वसनीय हैं, सत्यनिष्ठ हैं, तो आपकी बाजार में पहुंच अच्छी होगी, आपकी राजनीति में पहुंच अच्छी होगी, प्रशासन में आपकी सफलता बहुत अच्छी होगी, क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आंख बंद करके अपना पैसा आपके ऊपर लगा सकते हैं, अपनी कोई भी चीज़ आपके ऊपर दे सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं कि अगर आप इंटीग्रिटी को अपनाते हैं तो सफलता की आपकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। थर्ड पॉइंट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आत्मसंतोष प्राप्त होता है। अब आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो इससे आपको खुद ही अंदर आत्मसंतोष प्राप्त होता है, आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ बिल्कुल सही है, और मेरी डायरेक्शन बिल्कुल भी सही है। तो इससे अपने अंदर सेटिस्फेक्शन होता है अपने काम के प्रति, अपने आचरण के प्रति,
अगर हम लोग सत्य निष्ठा को अपनाते हैं, इंटीग्रिटी को अपनाते हैं। फोर्थ पॉइंट, निष्पादन और बेहतर। अगर आपके ऊपर जनता का विश्वास है, बाजार का विश्वास है या राजनीति का विश्वास है, जिस भी फील्ड में आप हैं, तो आपकी सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, आपका सम्मान होता है, आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, और इन सब चीज़ों को मिलाकर आपका निष्पादन, मतलब कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका जो निष्पादन है, जो आपका आउटपुट निकल के आता है, वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करेंगे गलती अपवाद स्वरूप। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसके अंतर्गत। अगर मान लीजिए गलती से भी आपसे कोई गलती हो भी जाती है, लेकिन आप सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, इंटीग्रिटी आपके अंदर है, तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे अपवाद समझा जाता है, और उसे ये माना जाता है कि आपका इरादा गलत नहीं था, आपसे गलती से गलती हो गई है। तो इसीलिए आप अगर अपनी लाइफ में सत्यनिष्ठा को अपनाते हैं तो आपकी गलती भी माफ़ कर दी जाती है, गलती आपके ऊपर हावी नहीं होती है, आपकी आपकी गलती को भी गलत नहीं माना जाता, यही सोचा जाता है कि आपने भूल में ये काम कर दिया है, आपका इरादा ये गलत काम करने का नहीं था। तो व्यक्तिगत जीवन में इसके बहुत सारे लाभ हैं। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, इसको आप डिटेल में करके और अपनी आंसर राइटिंग में इसको पुट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रशासन में इसके क्या लाभ होते हैं? तो प्रशासन में इसके बहुत लाभ होते हैं, और मेन पॉइंट यही आ सकता है कि प्रशासन में, क्योंकि लोक सेवक का एग्ज़ाम होता है तो प्रशासन से रिलेटेड ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्यक्तिगत जीवन से कम ही पूछा जाएगा, बट मैंने इंटरलेटेड करके दे दिया है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, चाहे किसी भी स्वरूप में पूछा जाए, आप उसका आंसर देने में सक्षम हो, आप इतने कैपेबिलिटी रखते हो कि हर एक क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग टैकल कर सकें। तो प्रशासन में इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो इसका पहला लाभ है विश्वास प्राप्त होता है। जैसे मैंने व्यक्तिगत जीवन में लाभ के बारे में बात की थी, वैसे ही इसमें होता है कि इसमें अपने से छोटे कर्मचारियों और अपने वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हमारे ऊपर बना रहता है और विश्वास प्राप्त होता है। क्योंकि हम लोग अगर सत्यनिष्ठा से काम करते हैं, लोक सेवक का मेन एक कर्तव्य होता है सत्यनिष्ठ होना, इंटीग्रिटी को अपनाना। तो अगर हम लोक सेवक के रूप में, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में काम करते हैं, तो हमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ अपने कनिष्ठ, जो भी छोटे दर्जे के अधिकारी होते हैं, उनका भी विश्वास हमारे ऊपर बना रहता है, हमारे ऊपर विश्वास प्राप्त होता है। सेकंड पॉइंट, सेम लोक सेवक का कार्य होता है जनता से मिलकर काम करना, मतलब कि जनता के लिए काम करना, जनता के साथ काम करना। तो जनता का भरोसा हमारे ऊपर बना रहता है अगर हम सत्यनिष्ठा को अपना कर कार्य करते हैं, और अगर जनता को अधिकारियों पर विश्वास हो जाता है, तो थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है, सामाजिक परिवर्तन संभव हो सकता है। अगर जनता के ऊपर, जनता का लोक सेवक के ऊपर या प्रशासन के ऊपर भरोसा होगा तो समाज में परिवर्तन लाना संभव होगा, क्योंकि मेन कारक यही होता है कि जनता कभी भी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करती, प्रशासन पे भरोसा नहीं करती है, इस वजह से समाज में परिवर्तन लाना संभव होता है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति सत्यनिष्ठा को अपनाएगा, इंटीग्रिटी को अपनाएगा, तो सामाजिक परिवर्तन बहुत ही आसानी से संभव हो सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम बात करेंगे सहयोग की प्राप्ति। इसमें अगर जनता का भरोसा आप पर है, वरिष्ठ अधिकारियों का, कनिष्ठ अधिकारियों का, जो भी आपके साथ काम करते हैं उनका भरोसा आप लोगों के ऊपर है, तो फिर आपको किसी भी काम में, जो भी आपको कार्य करना है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में, आप लोगों को सहयोग की प्राप्ति होती है, लोगों से, जनता से होती है, अपने अधिकारियों से होती है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, आपका वो ऑर्डर मानते हैं, और इस हिसाब से आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट की बात करेंगे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा साकार होती है। अब इन सारी पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, विश्वास की प्राप्ति, जनता का भरोसा जीतना, अगर समाज में परिवर्तन होता है, हमें सहयोग प्राप्त होता है, तो जो भी हमारे संविधान में लिखा गया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्राप्त करना,
तो ये इससे प्राप्त हो सकता है अगर हम बेसिक में सत्यनिष्ठा को अपनाते हैं, इंटीग्रिटी को अपनाते हैं। तो हमारी जो अवधारणा है, जो हमारे राजनेताओं ने लिखा था संविधान बनाते समय, उस समय कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की गई थी, जो कि अभी बिल्कुल भी हम उसकी सपने भी नहीं देख सकते, अभी मैं ये कहना चाहूँगी। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को कोई एक लोक सेवक अपनाता है और सारे लोक सेवक के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। वो दिन दूर नहीं होगा कि जो भी सपने हमारे संविधान बनाने वालों ने देखे थे, तो वो सपने पूरे हो सके। चलिए आगे देखते हैं, सत्यनिष्ठा के उदाहरण देखते हैं। तो अवधारणा हमने पहले कर ली थी, उसके साथ ही हम लोग उदाहरण देख सकते थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेट इसे दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि सत्यनिष्ठा एक्चुअल में होती क्या है और किस किस उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण हम देंगे कि झूठे वादे ना करना। जैसे ये मेन चीज राजनीति में या प्रशासन में लिया जा सकता है कि मतदाताओं को, उपभोक्ताओं को या नागरिकों को, जनता को कोई भी झूठे वादे ना करना या कोई झूठा दावा ना पेश करना अपने लिए। ये इसमें सत्यनिष्ठ होता है, क्योंकि जो भी नैतिकता होती है और नैतिकता को आचरण में सम्मिलित करना ही सत्यनिष्ठा कहलाती है। तो आचरण और व्यवहार, आचरण को नैतिक आधार से बिल्कुल हटा देना सत्यनिष्ठा के अगेंस्ट होता है। तो इसमें झूठे वादे ना करना या झूठे दावे ना करना सत्यनिष्ठा का उदाहरण एक समझा जा सकता है। सेकंड पॉइंट की हम इसमें बात करेंगे, सफलता में उचित श्रेय लेना। इसका मतलब ये होता है कि सफलता में उतना ही श्रेय लेना जितना वास्तव में आपका योगदान है। अधिक श्रेय मिल रहा हो तो उसे विनम्रता से अस्वीकार कर देना। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर चार लोगों ने मिलकर कोई काम किया है तो सबका इनपुट कुछ 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 थोड़ा थोड़ा होगा, इक्वल नहीं हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो। तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर कोई क्रेडिट मिल रहा है कि आपने ये काम अच्छा किया है, तो अगर वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है तो वो सिर्फ उतना ही क्रेडिट लेगा जितना उसने काम किया है। बाकी वो क्रेडिट उन लोगों में बांट देगा, अगर उसे कहा भी जाएगा कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया है, तो वो कह देगा कि सॉरी सर, ये काम मैंने नहीं, इस फला व्यक्ति ने किया है। तो ये होती है सत्यनिष्ठा, जो काम हमने किया है सिर्फ उसी का क्रेडिट लेना और दूसरे को जो उसने किया है उसकी सफलता का श्रेय उसको देना, ये होती है सत्यनिष्ठा। और ये बात सब में नहीं पाई जाती है, सब लोग दूसरों का काम भी अपने ऊपर थोप लेते हैं कि हाँ ये काम मैंने ही किया है, चाहे वो किसी और व्यक्ति ने ही क्यों ना किया हो। तो सत्यनिष्ठा के अंदर होता है कि मेन पॉइंट है कि जितनी सफलता में हमारा योगदान है सिर्फ उतना ही हम श्रेय लें, अगर एक्स्ट्रा मिल रहा हो तो उसे विनम्रता से वापस कर दें या अस्वीकार कर दें। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे इसमें हम, विफलता की जिम्मेदारी स्वीकार करना। और ये आजकल मैं लोक सेवक की बात कहूँ, चाहे राजनीति में बात कहूँ, चाहे कि जी बिजनेस की बात करूँ, किसी व्यक्ति के अंदर ये चीज़ नहीं है कि अगर कोई गलती हुई है तो वो अपनी गलती मान ले या विफलता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। ये मेन गुण होता है सत्यनिष्ठा का। अगर विफलता की स्थिति में आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना इसमें सत्यनिष्ठा के अंतर्गत आता हो, चाहे वो गलती उसके अधीनस्थों से क्यों ना हुई हो, क्योंकि वो तो बॉस है और बॉस की जिम्मेदारी होती है अपनी पूरी टीम को लाइन देना, अपनी उसको समझाना, उसके काम की जिम्मेदारी लेना। तो कोई भी काम गलत होता है तो उसको दूसरों पे थोपने से अच्छा है कि उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि हाँ ये मेरी वजह से ही गलती हुई है। और ये जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया है, ये पूरी सोसाइटी में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। आज कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो न्यूज़ में देख लीजिए, चाहे राजनीति में, चाहे किसी परिवार में देख लीजिए, सब अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर टालने पर लगे रहे। तो ये बिल्कुल भी सत्यनिष्ठा का उदाहरण नहीं माना जा सकता। फोर्थ पॉइंट इसमें देखेंगे, व्यक्तिगत लाभ के लिए गलत आचरण ना करना, ये सत्यनिष्ठा होती है। एक एग्जाम्पल इसमें देती हूँ कि कहीं कहीं दिया होता है कि 10 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट लगेगा, 10 साल से नीचे का नहीं लगेगा, कहीं भी अगर हम घूमने जाते हैं तो अगर बच्चा 11 या 12 साल का होता है तो भी व्यक्ति जो भी
नॉर्मल व्यक्ति होते हैं टिकट नहीं लेते हैं, तो ये बहुत ही गलत आदत होती है, ये सत्यनिष्ठा के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आएगा। सत्यनिष्ठ व्यक्ति वो होते हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, गलत आचरण नहीं अपनाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और दूसरों की बुराई या तारीफ नहीं करते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो ये इसके सत्यनिष्ठा के एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। या हम बात करें प्रतिबद्धताओं को निश्चित समय पर पूरा करना, ये दोनों साथ में आएगा, ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हम जनता से वादा करते हैं या राजनेता है कोई, तो वो अपने मतदाताओं से वादा करता है, ये कोई लोक सेवक है वो अपने अधिकारियों से वादा करता है, तो उसको समय पर पूरा करना आवश्यक होता है, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा त्याग करना पड़ जाए। तो एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति समय पर अपना काम करता है, समय पर अपने वादों को पूरा करता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आएगा अनपेक्षित अपेक्षा ना करना। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति से उतनी ही अपेक्षा करनी चाहिए जितना आप स्वयं उसके लिए करते हो। अगर आप किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये ज़रूरी, ये आप खुद भी सोच के रखें कि वो भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। उसके लिए डबल ये ना सोचे कि आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो इसमें ये होता है किसी व्यक्ति से उतनी ही अपेक्षा करना जितना आप स्वयं उसके लिए करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सत्यनिष्ठा का। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आएगा विज्ञापन का समर्थन अपने अनुसार करना। तो किसी एक ऐसे उत्पाद का विज्ञापन या समर्थन ना करना जिससे आप सचमुच में संतुष्ट ना हो और समाज के लिए अच्छा ना मानते हो। अगर आप कोई एक्टर एक्ट्रेस हैं, जैसे कि टीवी में ऐड आते हैं, तो आप किसी भी प्रोडक्ट का समर्थन ना करें। अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, अगर सब सत्यनिष्ठा को अपनाते हैं, तो आप सिर्फ उसी प्रोडक्ट का समर्थन करेंगे जो आपको खुद सचमुच में पसंद हो और जनता के हित में हो, ऐसे प्रोडक्ट का समर्थन करना चाहिए। तो ये मैंने हर एक फील्ड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपको दे दिए हैं, तो आपको जहाँ भी आंसर राइटिंग में जो चीज़ें सुटेबल लगे वहाँ से वो ऐड कर सकते हैं आप लोग। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग ही सोचना है कि कहाँ क्या चीज़ ऐड हो सकती है। और सच में बता रही हूँ, एथिक्स बहुत ही ईजी पेपर है, इसमें कम आप लोग 200 में से कम 150 तक स्कोर कर सकते हैं और 130 तो कहीं नहीं गया है, अगर आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ लिख कर आते हैं। और कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है, जैसे मैं समझा रही हूँ आप वैसे ही लिख के आएंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, लाइंस पूरी प्रॉपर होनी चाहिए और लाइंस का लिंक होना चाहिए, पहली लाइन और आखिरी लाइन में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन और लिंक होना चाहिए, तब आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और बार बार कहती हूँ कि एथिक्स के एग्जांपल में, एथिक्स के पेपर में एग्जांपल्स एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो भी आपसे पूछा जाए उसका साथ में एग्जांपल दे दो, आपको मार्क्स देने से एग्जामिनर अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बताऊंगी, नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट जब आएगा तो ये सत्यनिष्ठा कंप्लीट करके हम आगे की प्रोसेस में चलेंगे और जल्द से जल्द ये वीडियो पूरी करने की कोशिश मैं करूँगी। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।